सत्य घटना 36। जिस प्रकार रसखान जी पर बिहारी जी ने कृपा करी, उसी प्रकार हमारी श्री किशोरी जी राधा रानी सरकार ने भी अपने एक मुसलमान भक्त गुलाब खान पर कृपा की है। रसखान और बिहारी जी से जुड़ी घटना जानने के लिए इस वीडियो के नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करिएगा। दोस्तों, जब हम बरसाने जाते हैं तो वहाँ एक चबूतरा दिखता है, जिसे लोग गुलाब सखी का चबूतरा बताते हैं, जो कि एक दर्शनीय स्थल है। उस चबूतरे के पीछे एक बड़ी ही प्यारी सत्य घटना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सत्य घटना पर आधारित एक कहानी, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आज की इस 36वीं सत्य घटना में हम सुनाने जा रहे हैं माँ राधा और उनके अनन्य भक्त गुलाब खान, या कहें गुलाब सखी के जीवन से जुड़ा सच्चा प्रसंग। लेकिन उससे पहले, यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। जय माँ राधे। कुछ समय पहले की बात है, बरसाना गांव में एक मुसलमान था जिसका नाम था गुलाब खान। वह बहुत ही निर्धन था। उसका एक बेटी के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं था। वह बहुत ज़्यादा काम नहीं जानता था, लेकिन वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। इसीलिए उसे किशोरी जी के मंदिर में सारंगी बजाने की सेवा मिली हुई थी। जब जब गोसाई या रसिक लोग समाज गाते, पद गाते या किशोरी जी के भजन गाते, तब तब वह सारंगी बजाता। सारंगी बजाने से उसे दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए मिलते, जिससे वह अपना घर चलाता, और जो उसे प्रसाद मिलता वह खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए रख लेता। गुलाब खान की बेटी बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर थी। गुलाब खान ने अपनी बेटी का नाम किशोरी जी के नाम पर ही राधा रखा था। दोनों बाप बेटी में बहुत प्रेम था। राधा ही गुलाब खान के खान पान और बाकी चीजों का ख्याल रखती थी, और वह गुलाब खान की ही नहीं, पूरे बरसाने गांव की ही प्यारी थी। जब जब समाज गाया जाता तो वह नाच नाच कर किशोरी जी को रिझाती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, राधा भी बड़ी होती गई। जब राधा विवाह की योग्य हुई तो गांव वालों ने गुलाब से कहा कि गुलाब, अब तो राधा बड़ी हो गई है, कोई सुयोग्य वर देखकर राधा का ब्याह कर दो। यह सुनकर गुलाब बहुत चिंतित हो गया कि अब क्या किया जाए। लेकिन ब्याह तो करना ही था, बेटी की विदाई संसार का नियम है। राधा का ब्याह भी तय हो गया। राधा वैसे ही बरसाने वालों की प्यारी थी। सभी गांव वालों ने धन एकत्रित किया, किसी ने कुछ दान दिया तो किसी ने कुछ। ऐसे करके राधा का ब्याह बहुत अच्छी तरह से हो गया। राधा की विदाई हो गई और राधा शादी करके अपने ससुराल चली गई। अब यह वह समय था जब गुलाब पर किशोरी जी की कृपा होने वाली थी। चूंकि गुलाब खान का राधा के अलावा कोई नहीं था, और चूंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, तो राधा के जाने के बाद गुलाब बिल्कुल पागलों सा हो गया। उसे कुछ नहीं दिख रहा था कि अब मैं कहां जाऊं। अब उससे कोई पूछने वाला भी नहीं था कि बाबा, आज तेरे खाने में क्या बनाऊं। बाबा, चलो कहीं घूम आए। बाबा, चलो किशोरी जी को पद सुना आए। अब एक ऐसा समय आया कि वो रो रहा है और अपनी बेटी को याद कर रहा है, राधा राधा राधा। और ऐसे ही पागलपन में वो अपना घर छोड़ के किशोरी जी के मंदिर चला गया। किशोरी जी का मंदिर ऊंचाई पर है। गुलाब सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है और रोता जा रहा है। इस तरह गुलाब खान को रोते विलाप करते 3 दिन बीत गए। बरसाने वालों ने, मंदिर में आने जाने वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटी है, पराया धन है, उसे आज नहीं तो कल जाना ही था। लेकिन गुलाब को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इस तरह उसको रोते रोते 3 दिन बीत गए। लेकिन जब 14 दिन आया तो मंदिर में गुलाब दिखा ही नहीं। लोगों ने सोचा, ठीक है, समझ गया होगा, घर चला गया होगा। पर 4th दिन बीता, 5वां, 6ठा, 7वां, गुलाब बरसाने में दिख ही नहीं रहा है। ऐसे करके काफी दिन बीत गए। लोगों ने सोचा, ठीक है, विरह की वेदना ज्यादा हो गई होगी, कहीं जंगल में होगा, प्राण छूट गए होंगे। किशोरी जी का अच्छा सेवक था। सब लोगों ने बात करके
मंदिर के थोड़ा सा ही आगे एक चबूतरा बनवा दिया और उसका नाम रख दिया गुलाब खान का चबूतरा। सब लोगों ने ये मान लिया कि गुलाब खान अब नहीं रहा, वह मर चुका है। अब कुछ दिन बीते, महीने, साल, दो साल बीते। एक समय की बात है, गोसाई जी सेवा करके मंदिर से नीचे उतर रहे थे। जब वो मंदिर से नीचे आ रहे थे तब उन्हें गुलाब की आवाज सुनाई दी। पीछे जो मुड़ के देखा तो गुलाब खान खड़ा है। गोसाई जी बहुत डर गए कि कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं, क्योंकि गुलाब खान तो मर गया है। फिर गुलाब ने दोबारा कहा, गोसाई जी मैं हूं आपका गुलाब। तब जाकर गोसाई जी सामान्य हुए और गुलाब से पूछने लगे, गुलाब तू कहां था इतने साल? गुलाब ने कहा, मैं तो यहीं था, श्री राधा जी की सेवा में था। गोसाई जी कहते हैं, हम तो दिन में दसों बार श्री जी के दर्शन कर रहे हैं, श्री जी की सेवा में हैं, हमने तो तुझे कभी नहीं देखा। गुलाब ने कहा, पर मैं तो सेवा में ही था। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ये मेरे हाथ में पान देखो। यह कहते हुए उसने अपने हाथ का पान दिखाया। गोसाई जी ने जब पान देखा तो वे दंग रह गए। ये पान तो वही पान था जो उन्होंने शयन के समय श्री जी के पास प्रसाद के साथ मुखावास के लिए रखा था। गुलाब ने कहा, अभी अभी श्री जी ने मेरी सारंगी से खुश होकर मुझे ये पान की भेंट करी है और श्री जी ने मुझे अपने निकुंज में ही रख लिया है। तब जाकर गोसाई जी को विश्वास हुआ। गोसाई जी ने कहा, गुलाब तू यह तो बता कि तेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे श्री जी ने तुझ पर इतनी कृपा करी। तब गुलाब उन तीन दिनों का रहस्य बताता है। जब मैं तीन दिन रो रहा था, तड़प रहा था अपनी बेटी राधा के लिए, तब हमारी करुणामयी, दयामयी, कृपामयी श्री जी से देखा नहीं गया। और जब मैं अचेत था तो मंदिर का सिंह द्वार अपने आप खुला और एक बच्ची बाहर निकली और मुझसे आकर कहती है, बाबा बाबा मुझे सारंगी सुननी है, तुम सारंगी बजाओ और मैं नाचूंगी। मेरे पास पता नहीं कहां से सारंगी आ गई। मैं सारंगी बजा रहा हूं और वो बालिका नाच रही है और उसके नृत्य में इतनी दिव्यता थी कि मैं अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। और फिर मैं क्या देखता हूं कि वह लड़की चलते चलते सिंह द्वार के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया और जब अंदर गया तो क्या देखता हूं कि प्रिया प्रियतम सरकार निज महलन के अंदर बैठे हुए हैं, अष्ट सखियां सेवा कर रही हैं। तब राधा रानी ने मुझसे कहा, तू राधा राधा पुकार रहा था तो मुझसे देखा नहीं गया। भले ही तू अपनी बेटी को पुकार रहा था लेकिन राधा तो मैं ही हूं। और तब से ही राधा रानी ने मुझे निकुंज में सेवा दे दी। यह सुन के गोसाई जी की आंखों से प्रेम की धार बह निकली। देखा आपने, हमारी राधा रानी हमारे किशन कन्हैया से भी ज्यादा करुणामयी और दयामयी है। गुलाब तो अपनी बेटी को पुकार रहा था लेकिन श्री जी तो इतनी भोली हैं कि उन्हें लगा ये मेरा ही नाम पुकार रहा है। तो श्री जी बहुत सहजता से मिल जाती हैं। हम अपने प्यार से, अपनी करुणा से श्री जी को पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात समझने लायक है कि हम अपने घरों में बच्चों के नाम ईश्वर के नाम पर रखें। इससे अनायास ही प्रभु स्मरण हो जाता है। और क्या पता कभी आप प्रेम से अपने बच्चे को पुकार रहे हों और प्रभु को लगे कि आप उन्हें याद कर रहे हैं और वे प्रेमवश आपको दर्शन दे दें। तो बोलो राधा रानी सरकार की जय। हमें देश का नंबर वन आध्यात्मिक चैनल बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मां राधा की जयकार लगाना ना भूलें। जय मां राधे।